साथियों नमस्कार, मैं मंजीत कोत। साथियों आज गांव कोतकला में ही है, हमारा ही गांव है। तो जो बारिश आई है, बारिश इतनी तेज़ थी, बिल्कुल ज़बरदस्त बारिश थी। देख सकते हैं पानी लगभग 3-4 फुट पानी चढ़ चुका है। तो तस्वीर आपने दिखावांगे, देखो जो मकान है वो भी बहुत ज़्यादा मकान डूब चुके हैं। और गाँव वाले इब निकल कर आए हैं तो उन्होंने जो एक दीवार लागे थी सड़क का सारा है, उस दीवार ने तोड़ कर, देखो मैं आपने थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा, उस दीवार ने तोड़ कर खेतों में पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल देख सकते हैं, तो यह एक स्थिति की बात करा तो गंभीर स्थिति बन रही है। और पानी देख सको, मकान भी बिल्कुल डूब चुके हैं सारे। जो ये एक पन्ना है, सुरैन पन्ना की तरफ अभी हम मौजूद हैं, तो पानी की बात करा तो लगभग 3-4 फुट पानी चढ़ चुका है। और देखो बहुत ज़्यादा पानी आपने दिखावांगे, बारिश है, बिल्कुल तेज़ बारिश चल रही है, एक तबाही के कगार पर है। तो कोतकला की यह तस्वीर आपने दिखाने लग रहे हैं। और उनसे भी बात करांगे जो दीवार ने तोड़ कर पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई किस तरह के, किसके खेत हैं ये, किस तरह के पानी निकाल रहे हैं, तो उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल देख सकते हैं आप जो बारिश हुई है, ज़बरदस्त बारिश हुई है, बहुत तेज़ बारिश है, जिसके कारण जो मकान थे, आसपास के मकान थे, वो भी डूबने के कगार पर हैं, यानी गिरने की कगार पर भी है, मकान गिर भी सके हैं। तो फिलहाल देख सकते हैं ये जो स्थिति बन रही है। तो पानी तो देखो आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, बहुत दूर तक पानी आपने, बहुत ज़्यादा पानी दिखाई दे रहा है कि पानी किस तरह के भर गया है। साथियों देखो आपने दिखाई दिया है एक बार और, जो दीवार तोड़ कर पानी निकालने की कोशिश करी जान लग रही है। तो उस तरफ जो सड़क की परली साइड जो खेत है, उस खेतों में, उन खेतों में पानी उतारने की कोशिश करी जा रही है। तो साथियों इस वीडियो को भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। भाई कड़ा कितनी बारिश है आपने कमेंट करके जरूर बताना है, अपने अपने एरिया में, अपने गांव और जिला जरूर लिखना है। देखो भाई इस तरह ये पानी निकाला जा रहा है गांव कोतकला का। और जो दीवार दिखा आपने, वह दीवार तोड़ी गई है, तो इस दीवार ने तोड़ कर और खेतों में पानी निकाला जा रहा है। तो फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरह की समस्या बन रही, भाई बहुत बड़ी समस्या बन गई थी या। तो देखो जल ही जल दिखाई दे रहा है। तो ये गांव के युवा है, इन्होंने ये दीवार तोड़ी है और पानी निकाला है। तो देखो इन खेतों में पानी निकाला जाओगा तो यह जो फसल है यह भी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। गांव कोतकला की तस्वीर है, आपने बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है। तो काला है भाई, तो किस तरह के दीवार तोड़ी भाई काले यार? भाई दीवार तो यह है नीचे पुली पड़ी थी, पुली में पानी पास हो गया, कोनी काबू में आया। हाँ। तो ऊपर दीवार तोड़ी में पानी काटना पड़ रहा भाई गांव का, गांव में एंट्री को रास्ता ही नहीं रह रहा। तो ये खेत किसके हैं जो ये पानी उतर रहा है? खेत अपने सभी के, अपना रास्ता है पानी इस साइड को भाई। या फसल नहीं खराब हो जाए जो करीब से? फसल तो सारी खराब होने भाई। या फिर मकान भी गिरने की कगार पर हो जाए? जिंदा अपना कई मकान में पानी पड़े हुए हैं, पड़ नहीं रहे भाई। तो दिक्कत ज्यादा बन गई इस तरह? दिक्कत तो बहुत ज्यादा है, जानू सुनी सुनी बाकी देख भी लिया, देख लिया। चलो भाई देख सकते हैं जो जिस तरह की दिक्कत बन रही है, बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। और पानी जो युवा है गांव के, उन दीवार तोड़ के उनते मिलकर ये पानी उतारे आ रही। जो ये खेत आपने दिखाई दे रहे हैं, देखो इबे तो ये बिल्कुल भरे दिखाई देने लग रहे हैं, बिल्कुल खचा खच भर गए हैं। तो जितने खेतों में पानी जाओगा, बहुत एरिया ने पानी कवर कर लेगा। तो आपने दिखने लग रहा है कि बिल्कुल चारों तरफ, जिस साइड भी कैमरा घुमावांगे चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। तो ये परमात्मा की देन है, इसका का तो कोई किसी का बस भी नहीं चल सकता। तो पानी जो बारिश है बहुत ज़्यादा तेज़ है और बहुत ज़्यादा पानी भर गया है, मकान भी गिरने की कगार पर थे। इसका अच्छा तो इन दिनों सोचा भाई इसकी खेतों में उतार दें, नुकसान तो देखो होना ही है। लेकिन भाई आपके एरिया में कितनी के बारिश है वो अभी आपने कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बतानी है। और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।